जेठ महीने की संग्रांत का पहला सत्संग है। मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ कि आप जिस जिस आशा को लेकर आए हैं वो मालिक आपकी आशा पूरी करे। सत्संग को ध्यान से सुनना, कुछ कहना चाहता हूँ। कबीर साहब का एक शब्द है जिसमें उन्होंने कहा कि हम यहाँ क्यों आए। मैं शब्द नहीं निकालूंगा, नक्शल में बताने जा रहा हूँ, लंबा हो जाता है सत्संग। वो कहते हैं हमें वासना यहाँ लेकर आई। वासना में इच्छा, कोई ख्याल, कोई कामना, कोई काम रहता था हमें वो यहाँ लेकर आया। हमें कामना लेकर आई, वासना लेकर आई, इच्छा लेकर आई, या ख्वाहिश लेकर हमें यहाँ आई है। और अंत में वो फिर कहते हैं कि हमें यहाँ से वापस कौन ले जाएगा। यहाँ से हम आए तो वासना से, तो वापस कौन ले जाएगा, वो शब्द लेकर जाएगा, ऐसा उन्होंने लिखा है। मैं हूँ बाबा फकीर के चरणों में रहने वाला, उनकी संगत की है। मैं कबीर की वाणी को भी खोज करता हूँ, बाबा फकीर की वाणी की खोज नहीं करता। उन्होंने तो बहुत कुछ क्लियर कर दिया। अब वो वासना क्यों आई, कौन सी वासना, शर्मा जी कहने लगा हूँ। हमारा पिछले जन्म में जो हमने किया या करते थे, हम सब दोबारा आए। ना हो सकता तीन दफा आए हो सकता चार दफा आए हो सकता कई दफा आए हो। बात समझ गए। जो पिछले जन्म में हम काम करते थे, उस इच्छा को हमने अपने मन में रखा हुआ था, उस इच्छा को, उस वासना को, तो हमने चोला छोड़ दिया, वो काम अधूरा रह गया। कुदरत ने हमें फिर भेजा यहाँ, वापस चल ये काम करके पूरा कर दिया। क्योंकि जब तक हमारी वो प्लेट, मानसिक प्लेट ये, उस वासना से खाली नहीं हो जाएगी, हमारी ख्वाहिशें खत्म नहीं हो जाएंगी, हमारी कामनाएं जब तक खत्म नहीं हो जाएंगी, और हम उसके साथ नहीं जुड़ेंगे, शब्द के साथ नहीं जुड़ेंगे, हमारा जन्म मरण बना रहेगा। एक बात समझ गए आप लोग, हम क्यों आए। दाता दयाल जी महाराज ने लिखा, बड़ा क्लियर कहा बाबा फकीर जी महाराज के बारे में कि फकीर मैं पिछले जन्म में महात्मा बुद्ध था और तू मेरा शिष्य था, उसका नाम था क्या, आनंद, तू आनंद था। और फिर देख लो कितने सालों के बाद फिर दोबारा आ गए वो पूरा काम करने के लिए। अच्छा, फिर दाता दयाल जी महाराज गिदड़वाहा गए महाराज जी के पास आखिरी दिनों में। तो हजूर ने, उनका प्यार तो बहुत था आपस में, हजूर ने कहा दाता मुझे ऐसा लगता है अब आपका चोला चलेगा, चले जाएगा। हाँ फकीर तूने ठीक कहा, मेरे प्रारब्ध कर्म सब खत्म हो गए, जो मेरे कर्म थे ना पिछले रहते वो सब खत्म हो गए, मैं अब चला जाऊँगा वापस अपने घर। तेरे प्रारब्ध रहते हैं अभी, तेरी वो वासना जो उन्हें छोड़ी हुई है, काम तेरा रह गया हुआ है, वो तेरा रहता है, तू भी अभी रहेगा पूरा करेगा। दो बातें हो गई। अब सवाल पैदा होता है कि वो वासना हमारे से क्या करवाती है, हमें दुड़ाती है, ये करो यू करो ये करो ये करो करते हैं ना। तुम्हें पता ही नहीं है कि ये ख्याल क्यों आया, ये इच्छा मेरे अंदर क्यों पैदा हुई, ये ख्याल मेरे अंदर क्यों आया, कभी सोचा आप लोगों ने। वो हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमसे वो कुदरत ने काम करवाना है। वो आपका अधूरा पिछले साल का रह गया हो, पिछले जन्म का रह गया हुआ है, बात को पकड़ते जाओ मेरी को। अब उस ख्याल को पूरा करने के लिए, उस वासना को पूरा करने के लिए, जब उस इच्छा को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं। हमारे पास चार चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। पहली चीज़ है समझ। हम समझ करते हैं ना, अक्ल से काम करते हैं ना, कि ये कर लूँ ये कर लूँ कर लूँ कर ले करते हैं ना, सोच से करते हैं ना। और अगर कोई बच्चा गलत काम करे, वो तेरी समझ ठिकाने है कि नहीं। तो समझ पहला शब्द है जिससे हम अपनी वासना को पूरा करने की कोशिश करते हैं। जब वो समझ काम नहीं करती, तो फिर दूसरा स्टेप हम लेते हैं, उसको कहते हैं विवेक। वो समझ से थोड़ा आगे है,
कि उस सोचने लग जाता है आदमी कि मैंने जो किया वो ठीक है या गलत है, ये झूठ है या सच है, ये नेक है या बद है, वो थोड़ा सोचने लग जाता है, उसमें विवेक आ जाता है और वो सोच कर काम को करता है। और नहीं, जो समझ वाले आदमी वो गैर समझे बगैर विवेक के करते हैं, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, करते हैं ना। तो जो बगैर विवेक से काम किया जाता है, बगैर अकल के इस्तेमाल किए हुए काम किया जाता है, वो गलत हो जाता है। बात समझ गए। फिर एक तीसरा शस्त्र और है जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने अपनी ज़िंदगी का अनुभव बता रहा हूँ, बाबा फकीर की दया से वो मैं बता रहा हूँ आपको, वो है फिर ज्ञान। ज्ञान ज्ञान अपने आप नहीं आता, उसको किसी न किसी से सहारा लेना पड़ता है। मैं ज़्यादा लंबा नहीं जाता, मैं ड्राइवर रखा पहले, गाड़ी जब ली मैंने 97 में तो ड्राइवर रख लिया, तो तनख्वाह मांगी उसने 1800 रुपये महीना। करना क्या था कि सुबह आ जाना, मुझे कॉलेज ले जाना और 2 बजे उठाकर गाड़ी घर छोड़ जाना, बाकी गड्डी खड़ी है तो मैं वैसे पैदल फिर चलना, जहाँ मर्जी जाऊँ पैदल जाऊँ। तो जब 4-5 महीने हो गए, मैंने सोचा ये पैसे खराब नहीं हो रहे, पेंशन थोड़ी मिलती है, 1800 वो ले जाता है, 1000 का पेट्रोल लग जाता है, क्योंकि 24 किलोमीटर जाना 24 आना। तो मैंने एक दिन सोचा कि समझ ले लूँ, मैं ज्ञान ले लूँ, समझ तो देख ली करके गाड़ी ले ली, विवेक भी देख लिया कि ठीक है इससे मुझे लाभ हुआ, नहीं तो मैं स्कूटर पर जाता था, कभी बस में जाता था, विवेक भी इस्तेमाल करके देख लिया। अब सोचा कि ज्ञान ले लूँ, गाड़ी को खुद चलाऊँ, ठीक है वो ज्ञान है ना। तो मैंने कॉलेज जब बंद हुआ, मैं कह फौजी था वो, मैं कह फौजी इधर आ, मैंने अपनी जेब से 20 रुपये निकाले, उसके हाथ पर रखे, कहते सर क्या गल, मैं कहा ए फॉर 20 रुपये, तू मेरा गुरु, मैं तेरा चेला, मैंने गड्डी चकाने सिखा। मेरी बात समझ गए। तो मैं 2-3 कदम बैठो, 2-3 चक्कर लगाए, 4 चक्कर लगाए, दूजे गेयर छपाई, तीजे गेयर छपाई, और दूजे दिन मैं सड़क ते ले आया, तीजे दिन मैं गड्डी, मैं कहा इधर बैठ, मैं हूँ ऊने ले जाने, मैं ऊने ले आया। वो आके घर कहते सर मैनू हूँ छुट्टी दे दौ, तुम तो गड्डी बड़ी सोहनी चला लेंगे। चल ज्ञान मिल गया ना, ज्ञान हो गया। अब ज्ञान होने के बाद एक स्टेज और आती है, उसको कहते हैं अनुभव। अनुभव अनुभव क्या सिखाता है कि गाड़ी चल रही है, तुम गल्ला भी करी जाते हो, तुम गेयर भी पट्टी जाते हो, तुम एक्सीलेटर भी नहीं, तुम ध्यान तो नहीं ना करते मैं गड्डी चला रहा है ना, क्यों शर्मा जी। अनुभव हो गया कि गड्डी इदा चलती है, एक गल समझ गए। अब आती दुनिया की बात, हम अपनी जिंदगी की समस्याओं को, जैसे मैंने अपनी समस्या हल की ना, गड्डी चलानी सीख ली, शुरू तो इदा किता, ठीक है शर्मा जी। अब उस समस्या को, उस आस को, उस अपनी वासना को पूरा करने के लिए हमारे सामने कई दफ़ा रुकावटें आ जाती हैं, और उन रुकावटों को दूर करने के लिए कुदरत ने गुरु पैदा किए, ऋषि पैदा किए, महापुरुष पैदा किए, कि जाओ उनके पास जाओ, तुम्हारी वो समस्या दूर कर देंगे। मेरी बात समझ रहे हो, तुम क्यों आते हो यहाँ, कोई अपनी समस्या लेकर आते हो ना, वैसे तो नहीं आते। तो वो अनुभवी आदमी के पास, जिसका अनुभव हो गया है, जिसका ज्ञान भी हो गया है, जिसको विवेक भी आ गया है, जिसकी समझ भी पक्की हो गई है, कौन है वो, जिसकी बुद्धि तीव्र होकर स्थिर हो गई है, फिर आप उसके पास जाते, ऋषियों के पास जाते हैं। जो ऋषियों के पास नहीं जाते वो कहाँ जाते हैं, वो किसी देवी को मानते हैं, किसी देवता को मानते हैं, किसी धार्मिक स्थान को। मेरी बात समझ रहे हो, करते कि नहीं हो तुम लोग, या फिर किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, पंडित जी अब देखो तो की ग्रह आ गया, साडा काम नहीं हो रहा, क्यों कोई समय ठीक है ना। तो हम हर तरह से तरद्दद करते हैं कि हमारी वासना पूरी हो जाए। जब तुम्हारी वासना, तुम्हारी कामना, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाती है, तुम खुश हो जाते हो, और होना तो वो है जो निश्चित है, लेकिन तुसी क्रेडिट उस बंदे नूं दिंदे हो ज्योतिषी नूं, ओ पंडित जी ने बहुत चंगा दस्या सी, मैं हवन किया तो मेरा काम हो गया,
हवन ने नहीं किया, वो होना था। बात मेरी समझ गए हो तो मैं क्या तीन चार बातें आपको बताई हैं, इनको पहले पकड़ो। मैं क्या कहा, अपनी जिंदगी को देखो क्या कहा। जब तक इंसान थक ना जाए, कब कैसे थक ना जाए, वासना से थक ना जाए। मन तू, कबीर साहब ने लिख दिया, मन तू थकत थकत थक जा। मैं वहां बैठा था जब महाराज ने इस शब्द को लिया और मेरा नाम लेकर कहा, बच्चा तू समझा, मैंने हाथ जोड़ दिया। उस वक्त कितने समझ आई थी, उस पर चिंतन किया, उस पर विचार किया, उसकी खोज की कि बाबा जी ने ये बात मुझे क्यों कही। बच्चा तू समझा, अब समझा कि जब तक मन साथ है, जब तक मन की कल्पनाएं साथ हैं, जब तक तुम थक नहीं जाते, अपनी इच्छाओं की पूर्ति से थक नहीं जाते। मैंने अभी वहाँ बैठे थे ना, हम बैठे थे शर्मा जी रिटायरमेंट के बाद हमें ये जो जीवन मिला है ना, ये अब अपनी वासना के लिए नहीं मिला कि अब ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर, हमारे लिए नहीं है, ये सेवा के लिए है, ये सेवा के लिए मिली। अगर हम इस सेवा को क्रेडिट लेंगे, क्रेडिट जानते हो ना कि हाँ मैं उत्थे गया सी, बड़ी सेवा की थी, उन्होंने कपड़े भी दिते, पैसे भी दिते, तब मेरे जहाँ महामूर्ख कोई नहीं, मैं भी फंस गया ना। इसलिए इस जीवन में निर्लेप होना पड़ेगा। निर्लेप कैसे निर्लेप होना पड़ेगा, अब निकालो जेठ महीना, मैं बताता हूँ उसको कब मिलोगे, उस मालिक का रूप क्या है, वो जेठ महीने में बता रहे हैं स्वामी जी महाराज। ये सबसे बड़ा महीना होता है 12 महीनों में से, रातें छोटी दिन बड़े, और दिन में आदमी कल्पनाएं बड़ी करता है, बात समझ गया ना, कल्पनाएं दौड़ी हुई हैं, कभी ये कर लूं कभी वो। और सुनो, लिखा ललाट टरे नहीं तारा, भावी को मेटन हारा। हर चीज का समय है, हर चीज का हमारे जिंदगी में घटने का एक समय है। जैसे मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे, तुमने आज आम का पौधा लगा लिया और कहो कि एक महीने के बाद वो पौधा फल दे दे, वो तो नहीं देगा। और आज शादी की आपने और कहो कि महीने के बाद मैं दादा बन जाऊँ, बन जाओगे, ये उनके शब्द हैं, नहीं। हर चीज़ का समय है, मगर तुम्हें विश्वास नहीं आता, तुम्हें ठहराव नहीं आता, तुम्हें धैर्य नहीं आता, तुम चाहते हो अभी मिल जाए, अभी मिल जाए, ये नहीं होगा। सूर्य चढ़ा है, बहुत सुंदर रोशनी होती सुबह, अब देखो कितना है, और शाम को फिर ठंडा हो जाएगा। हर चीज़ का समय है ना, गर्मी का आना भी समय है और सर्दी का आना भी समय है। अगर आज कहो कि सर्दी आ जाए तो आएगी, नहीं आएगी। हर एक विश्वास कर लो कि तुम्हारी जिंदगी की हर घटना का समय है, उस समय का इंतजार करो, कोताहत मत हो जाया करो, धीरज मत छोड़ा करो। इसलिए तो दाता स्वामी जी महाराज ने लिखा शब्द में, धीरज धरो, ये संतों की वाणी, धीरज धरो करो विश्वासा, सतगुरु करेंगे पूर्ण आशा। इससे बड़ी बात और क्या कही जाए, तुम्हारी आश पूरी होगी, लेकिन धैर्य तो रखो, धैर्य रखो। बुजुर्गों की बात सुना देता हूँ, धैर्य नहीं है ना, मेरे दादाजी बढ़िया कहानियाँ सुनाते होंगे सी, मेरे दादाजी बिजली तो होंगी नहीं सी, है ना, बाहर सौंदा सी, बट मंजे डाला ने बेड़िया ने बेच, तो बाबिया ने सू कहानियाँ सुनानियाँ, जब बाहर सड़क होंगी सी सड़क पर सुना, बापू जी फिर अच कोई सू कहानी सुनाओ, गर्मी लगती होंगी सी, अच्छा मैं उगारा दिन दे रहना, उगारा जाते ना, हाँ बापू केंद्र बच्चा हमारे ना, हम जो सांस लेते हैं ना सांस, इसमें एक वक्त ऐसा आता है कि हम जो मांगे वो पूरा हो जाता है। बाबा जी ने, मेरे दादा ने कहा, मैं क्या बापू पता नहीं लगता पे कदों आता सांस, वो एक सांस आता जो दो ही सांस इकट्ठे चलते, नास हमारी जो नासिका दो है ना, एट ए टाइम एक चलती है, दो नहीं चलती ना, दो कब चलती हैं, जब तुम पूर्ण समाधि में होते हो तब चलती है, अदरवाइज नहीं चलती।
तो मैंने कहा अच्छा बापू फिर कहने एक जिमीदार से सीधा जहा उस संत ने यह गल कहती कि भी इदा का सह आ जो चीज़ मंगो मिल जाती कहते लै मौजा ही लग गई मर गए खेतों से कम करते घर गए तो एक बड़ा सारा कुहाड़ा होंगे जिमीदार दो किलो का कुहाड़ा अब चुफालिया चक के बह गया कहना मैं बुलायो ना भी घर वाले क्या मैनू ना बुलायो मैनू सह एक आना तो मैं सोनी बहना है बस बह गया हर साल सोने का बन सोने का बन सोने का बन सोने सह भी लवे सोने का बन जा सोने का बन जा काफ़ी टाइम निकल गया वो अंदरों जो मन से ना वो लप्या सोच के हूं भी नहीं बनता फिर कहता चल चांदी का बन जा मन ने कहा चांदी का बन जा वो चांदी का बन गया मेरी गल समझ गया डैरेज नहीं रहा ना तो फिर ओहो खत है हूँ कहू कहता चांदी ने तो बन जाना से सोने का बात समझ गया हमारा ये हाल है हमारा ये हाल है सोना मांगते मांगते चांदी पर आ गए क्या कहा मैंने धैर्य नहीं है तो इसलिए स्वामी धैर्य धरो करो विश्वास सतगुरु करेंगे पूर्ण आशा कभी हो नहीं सकता इसलिए मेरे दाता बाबा फकीर जी ने बार बार कहा वेयर देयर इज डिमांड देयर इज सप्लाई जहाँ मांग है वो पूरी होगी पर मांग सच्ची होनी चाहिए ये नहीं कि मांग मेरे पड़ोसी की लत टूट जाए ये मांग नहीं थोड़ी भी टूट जानी ये नहीं कि वो कुड़ी का विह ना हो कुड़ी भी नहीं विह होनी सीधी गल उस दूसरों का भला मांगो तुम्हारा भला होगा तुम दूसरों का अरे लिखा है शास्त्रों में सर्वे विवंतु सुखना सर्वे संतु नरामया मैं पूछता सनातन धर्मियों को तुम पूछो तो यह तुम्हारा शास्त्र की कहना तुम कर की रहे हो तुम की कर रहे हो बात समझ गए गुरु नानक साहब ने कहा नानक तेरे पाने सरबत का बला सरबत कोई है फर्क कुदरत को देखो भगवान को देखो जमीन को देखो सूरज को देखो बरसात को देखो हवा को देखो तुम्हारे साथ कोई डिफरेंस करती है वो कोई है भेदभाव ये सूरज तो यह नहीं अमीर ठंडी हवा दिता तो गरीबों गर्म दिता नहीं सर्दी भी सबके लिए एक जैसी गर्मी भी सबके लिए एक जैसी ये माता भूमि इसमें जो भी गरीब हो अमीर हो किसी जाति जो बीजेगा उसको वो मिलेगा धरती माँ को करती डिफरेंस नहीं करती वो इतने तक कि एक खेत में तुम मिर्चा भी ला दो आलू भी ला दो प्याज भी ला दो गन्ने भी ला दो वो सारिया चीज़ा वे चो निकलनिया कोई जमीन ये नहीं कहती कि मैं तेनों आ नहीं देना त्या देना आ नहीं कहती है पर असी की करते हैं वी आर अगेंस्ट नेचर हम कुदरत के अगेंस्ट हैं जब तक हम कुदरत के साथ नहीं मिलकर चलेंगे हम सुखी नहीं रह सकते कुदरत को देखो सर्वे विवंतु सुखना सर्वे संतु नरामया नानक तेरे पाने सर्वत का भला तो तुम्हारा भला पहले हो जाएगा क्या कहा मैंने अब पढ़ो क्या कहते सब मैं तुम्हें कहीं पहुंचाना चाहता हूं मैं तुम्हें कहीं ठहराना चाहता हूं मेरा मिशन ये है कि जो मेरे बाबा फकीर ने कहा कि तुम सुखी रहो तुम्हें शांति मिले तुम घरों में इतने आनंद से रहो कि तुम्हारे घर स्वर्ग बन जाए तो स्वर्ग ऊपर तो है नहीं कि आके दस्या भी उत्थे स्वर्ग की हुंदा नो किसी ने दस्या नहीं नरक क्या है तो स्वर्ग क्या फोटोआं जरूर बनाती हैं लोगों ने सानू बेवकूफ बनाने वास्ते फोटोआं बनाती हैं नरक जा हुंदा मैनू मैं की दसा मैं तो एक दफा शिमले सगा नौकरी ड्यूटी ते मैं सैर कर चले गया शिमला सैर कर शाम ड्यूटी होंगी सी पेपर मार के हेड होंदा सी मैं तो देखा है सर माल पर चला हुआ हूँ नीचे को निकल गया तो एक बिल्डिंग के ऊपर बड़ा लिखा हुआ भगवान जन्म लेने वाले हैं ये होगा जो मैं क्या कमाल है इतने तक बड़ा चंगा लिखा है होना कोई मंदिर होना एक सज्जन आ रहे थे मैं भाई साहब इतने है मंदिर है कहते हाँ बाबू जी जमीन थले पौड़ियों उतर जाओ इतने मंदिर है मैं अपने जीवन की बात बताता हूँ मैं इधर उधर की सुनी बात नहीं करता जब बापू की गल सुना हूँ तो मैं नीचे चला गया कोई मंदिर नहीं उत्थे कोई उत्ते लिखया नहीं कुछ नहीं लिखया फिर उत्थे कोई एक होर निकलिया बंदा मैं क्या भाई साहब इत्थे मंदिर कित्थे
ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੂ ਜੀ ਇਹੀ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਆਹ ਕੋਠੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘੰਟੀ ਵਜਾਓ। ਮੈਂ ਘੰਟੀ ਵਜਾਤੀ, ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਨਾ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਘੰਟੀ ਵਜਾਤੀ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੀ ਨਮਸਕਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੀ ਇੱਥੇ ਮੰਦਰ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਆਹੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਲੈ ਬਈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਡਿਤ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਠੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਸੋਫਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁਣ ਨਰਕ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਈਆਂ ਸਬਜ਼ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਸਵਰਗ ਆ, ਇੱਧਰ ਨਰਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਸੰਤ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ 30-35 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆ ਗਈ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਉਹ ਬਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੜਕਾ, ਤੂੰ ਲੜਕੀ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਹੋਰ, ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਹੋਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਪਿਆ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਖੇ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਆਹ ਨਰਕ ਦੇਖਿਆ? ਆਹ ਇੱਧਰ ਸਵਰਗ ਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਦੇਖਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਉਣਾ? ਪਤੀ ਰੁੱਸ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ? ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੈ? ਠੰਡ ਠੰਡ ਗੋਪਾਲ ਚੁੱਪ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ? ਬਤਾਓ ਤੁਹਾਰੇ ਪਾਸ ਕਿਆ ਹੈ? ਟੈਲ ਮੀ ਹਾਊ ਟੂ ਲਿਵ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂ ਕੈਸੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਵਾਸਤੇ ਸੌਰੜ ਲੋਕੀ ਮੱਤਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਵਸਦੀ ਸੌਰੇ, ਆਪੇ ਸੌਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦੇਵੇ ਸੱਸ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੌਰਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਐਸੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਮੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ, ਉਹਦੀ ਤੰਗ ਫੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਹ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਤਾ। ਔਰ ਕਿਆ ਕਹੂੰ ਮੈਂ, ਕਿਉਂ ਕਹਾ ਮੈਨੇ ਜੇ, ਇਸਕਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੂੰ, ਕਿਉਂ ਕਹਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਥਾ ਕੁਛ, ਕਿ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲੈਤਾ ਹੂੰ। ਹਮਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਕੇ ਤਿੱਬਤ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਜੀ ਕਿਸੀ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਮੈਂ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬੋਲਤੇ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਅਨੁਭਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਿਜ ਹੋਲੀਨੈਸ ਕਿਆ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿਆ ਤੋ ਆਪ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਸੇ ਉਸਕੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਸਕਤੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਪਕੀ ਮਦਦ ਕਰੇਂਗੇ? ਪਤਾ ਕਿਆ ਕਹਾ? ਨੋ, ਨੋਟ ਐਟ ਆਲ। ਤੋ ਕਿਆ ਕਹਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਮੁਝੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਮਨੇ ਯੇ ਜੋ ਕਾਮ ਕੀਆ ਮੁਝੇ ਪੁੱਛ ਕਰ ਕੀਆ, ਤੁਮਨੇ ਜੋ ਕਾਮ ਕੀਆ ਜਿਸਕੇ ਲੀਏ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਝੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮੇਰੇ ਜੇ ਕਰ ਦੋ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਮਨੇ ਮੁਝਸੇ ਪੁੱਛਾ, ਤੁਮਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ, ਤੇਰਾ ਫਲ ਇਸਕੋ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਕਰੇਗਾ? ਨੋ, ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਮੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਬਾਬਾ ਫਕੀਰ ਜੀ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਆ? ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪ ਚਾਹੇ ਨਾ ਜਪ, ਤੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਰਮ ਅੱਛਾ ਕਰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਕੋ ਠੀਕ ਰੱਖ। ਕਿਆ ਕਹਾ ਬਾਬਾ ਫਕੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਇਸ ਪਰ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ। ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਗੀ ਤੋ ਕਾਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਗਾ। ਜਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਰਥ ਆ ਗਿਆ, ਜਹਾਂ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏ,
बाकी किसी का हो मेरा हो जाए बस फिर तुसी फेल है। तुम कहो पहले उसका हो जाए फिर मेरा हो जाए तो कोई बात नहीं है। फिर देखो जिंदगी में कैसे रौनक आती है, फिर देखो जिंदगी में सुख कैसे मिलता है। जो ईर्ष्या करते हैं, जो द्वेष करते हैं, जो नफरत करते हैं, जो शत्रुता करते हैं, जिनके मन में बुराई ही बुराई है, वो कभी सुखी नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। इसलिए सुबह उठकर मालिक से सबका भला मांगा करो। फिर वो मालिक है क्या? अब सवाल पैदा हो गया कि वो मालिक कौन है जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ। अब तुम पढ़ो, मैं बताता हूँ तुम्हें क्या है वो। ठीक है लक्की, आंखें खोलो, पढ़ो। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सार वचन, जेठ मास 12वां, जेठ महीना जेठा भाए जीवन हृदय तपन चढ़ाए। जेठ महीना जेठा आया, आगे पढ़ की है, जेठ महीना जेठा भारे जीवन हृदय तपन करारे। अब जेठ महीना जेठ आ रहा है तो देखो कितनी गर्मी है, गर्मी है ना। तो वो कहते हैं स्वामी जी ये तो बाहर की गर्मी है ना, लेकिन हमारे अंदर भी एक गर्मी है। वो बड़ी खतरनाक है, बुराई, ईर्ष्या, द्वेष, शत्रुता, नफरत है ना, वो सबसे बुरी है। आपको नींद नहीं आने देगी इस गर्मी में। तो आप एसी लगा लोगे, लगा लेते हैं ना तो नींद आ जाएगी। लेकिन अगर किसी के प्रति तुम बुरा सोच रहे हो कि मैं उसके साथ ऐसा करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं वो, तुम्हें नींद आएगी? कभी इधर को करवट बदलोगे, कभी इधर को करवट बदलोगे तो नींद नहीं आएगी। चाहे एसी चल रहा, चाहे बिस्तरा बहुत बढ़िया है, और चाहे पानी का सराने रखे, चाहे तबीत भी तुम बने, चाहे तुम धूप भी दुखाया, पर तुम नींद नहीं आनी। मैं लिख दिना, क्योंकि तुम्हारे अंदर शांति नहीं है, तुम्हारे अंदर ठहराव नहीं है। तुम किसी की मां नहीं फड़ी, तुम किसी शब्द पर विश्वास नहीं किया, तुम कि पिछे लग गए अपने मन के पिछे। जब तक तुम मन के साथ हो तुम शांत नहीं रह सकते। दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, नेकी भी करोगे, बुराई भी करोगे। ये मन की दुनिया है। दुनिया में रहते हुए तुम्हारा मन तुम्हें साथ देगा, तुम मन से बच नहीं सकते। क्या कहा? इसलिए मन को फिर कहाँ लगाना है, मन को क्यों, कैसे कंट्रोल करना है? संतों ने कहा किसी संत के पास जा, तुम्हें वो एक बूटी दे देंगे। बूटी कौन सी? नाम बख्शिश कर देंगे। नाम का सिमरन करना, तुम इन ख्यालों से बच जाओगे। मगर नाम जपता कौन है? नाम जब मुझे आते हैं टेलीफोन पर, बाबा जी मैं नाम तो जपन बैठ दिया, मैं कभी कोई ख्याल आ जाता, कभी कोई ख्याल आ जाता, मैं की करा? पर दस नाम तो तू जपती नहीं है, तू तो दुनिया से फंसी, दुनिया में फंसे हुए हो, नाम नहीं जप सकते। इसलिए कहा संतों ने, तन भी गुरु को दे दो, मन भी गुरु को दे दो, और धन भी गुरु को दे दो। यदा मतलब ये नहीं है कि तुम जाके उन बैठ के बाबा ये शरीर तुहाडा, नो, ये नहीं यदा मतलब। मन भी तुहाडा, मन तुसी कितना दे सकते हो? यू कांट गिव मन। तन कितना दे सकते हो? सारा घर दे दोगे किसी चक के? नहीं दे सकते। सुनो, जब बैठ जाओ तो शरीर को भूलो, ये मेरा नहीं है। क्यों क्यों नहीं मेरा? तुम्हारे शरीर के रग रग में, तुम्हारे शरीर के रोम रोम में एक ताकत है। मेरी बात को पकड़ो, तुम्हारे शरीर के रोम रोम में एक ताकत घूम रही है, यहाँ से लेकर नीचे, नीचे से लेकर ऊपर चलती है ना। आपका खून दौरा करता है ना, तो खून दौरा कैसे कर रहा है? तुम्हारे सांस के साथ। सांस लेते हो तो वो पंप चलता है अंदर, अगर सांस नहीं लोगे तो सब कुछ बंद हो जाना। बात समझ रहे हो? इसलिए संतों ने कहा कि
के जब बैठो तो अपने शरीर को अपने गुरु को समझ के बाबा जी मैं तो नहीं हूँ, ये हूँ शरीर तुम्हारा, बस फिर मन भी तुम्हारा। मन फिर जब दोगे तो फिर क्या करोगे, फिर जो नाम तुम्हें मिला उसका सिमरन जहाँ करो, और जब मन दौड़े यहाँ खोल लो और ख्याल करो मेरा बाबा मैंने देख रहा, वो देख रहा है तुम्हारे हर काम को, वो देख रहा है, उसकी दृष्टि तुम्हारे ऊपर है हर वक्त, चंगियाइयाँ बुरियाइयाँ बाचे धर्म हदूर, गुरु नानक ने कह दिया चंगा भी गुरु वो देख रहा, मंदा भी वो देख रहा, देख रहा ना है प्रमाण है ना, देता गुरु नानक ने देता, चंगियाइयाँ बुरियाइयाँ बाचे धर्म हदूर, करनी आपो अपनी कीड़े के दूर, जोड़ा तुम करना वो तो मिलना, ये भी फैसला। फिर आगे क्या कहा, जिन्नी नाम से आया आहा गए मशक्कत काल, जिन्होंने नाम का सिमरन किया उन्होंने बहुत कठिन मेहनत की है, कठिन मेहनत है ये, ऐसे नहीं होगा कि ऐसे नाम जप दे, अपने आप को कुर्बान करना होगा, अपने मन से ऊपर उठना होगा, नाम की नाम के मुंह में मन के मुंह में नाम डाल दो, बोलना बंद कर दो उसका, क्यों किसी को मारना हो तो मुंह बंद कर दो मर जाऊंगा ना कपड़ा दे दो मुंह सब बंद कर दो मर जाना उन्हें, तो मन कब मरेगा जब उसके मुंह में आप नाम रूपी रसायन डाल दोगे, तब वो तुम्हारा मन ठहर जाएगा वरना नहीं ठहरेगा। धन तो साडा है ही कुछ नहीं है, किसका है कौन, ना कुछ लेके आए ना कुछ लेके जाना, वो तो मालिक ने कृपा करके साढ़े ते मेहर की थी, ले बच्चा अभी तेरे लिए सुखी का जीवन जी, अभी तेरे लिए अले कार भी तेरे लिए, अले ड्राइवर भी तेरे लिए, अब बच्चे भी तेरे बहुत बढ़िया, बहू भी बहुत अच्छी, उन्हें सब कुछ दिता, शर्मा जी मैं तो कुछ नहीं किया, तो मैं फिकारा ठेका लवा बाबे का जिन्हें सब कुछ दिता, जिन्हें सब कुछ दिता, बाकी कुछ मंगने की लोड़ ही नहीं है, क्यों मंगा कादे लिए मंगा, कबीर से क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, मैं कबीर कबीर साहब कहते मालिक नू मैं की मंगा तेरे को, कुछ रहने वाला ही नहीं है तो मैं कानू मंगा, मैं तो तेनू ही मंगता, बस ये सतगुरु बाबा फकीर जी कहा करते थे, वो कुछ ना मंगो गुरु नू मंग लो, असी मंग लिया आ जा बाबा मैं तो तू ही चाहिए, मैं और कुछ नहीं चाहिए, क्या कहा, अब वो क्या है, तपना आपके अंदर है, किस चीज़ की कोई ख्वाहिश है आपके अंदर, कोई कामना है आपके अंदर, तुम उसको तो मिलना नहीं चाहते मालिक को, तुम्हारा तो कोई मतलब नहीं है, दुनियादार वहाँ नहीं जा सकता, वो कुछ करना पड़ेगा उसको पाने के लिए, क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूँ, आगे चलो। जेठ महीना जेठा भाए जीवन हृदय तपन कराए, मेरे हृदय में भी तपन थी कि मुझे गुरु मिल जाए, गुरु की डिमांड थी, दौड़ा फिरता था दुनिया की नहीं ना, गुरु की दिमाग थी, कुदरत ने मुझे बाबा फकीर के चरणों में लाकर बैठा दिया और मुझे कुछ भी नहीं मांगना पड़ा, मैंने कुछ नहीं मांगा, वो जो अंदर की तपन थी वो धीरे 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 समाप्त होती गई, कैसे हुई आगे पढ़ो। संत दयाल जीव हितकारे भेद कहे अब निज कर भाई, स्वामी जी कहते हैं कि जो संत होते हैं भेषधारी नहीं, बड़े दुनिया में संत है, देखो एट उठाओ चार संत निकल दे, वो संत जो निज बात करता है अपने जीवन का अनुभव बताता है वो हितकारी होता है, जो केवल अपने नाम के लिए पैसे के लिए धन के लिए आश्रम के लिए स्वांग बनाता है वो संत नहीं हो सकता, जो परमात्मा के नाम पर ठगी करता है वो संत नहीं हो सकता, जो दूसरों को अपनी ओर आकर्षण के लिए खेल खेलता है वो संत नहीं हो सकता, जिस संत के दरबार में ताली बजती हो वो संत नहीं हो सकता, क्या कहा मैंने, संत के दरबार में केवल वचन होता है और कुछ नहीं होता, और वो वचन भी कैसा, यही लाइन फिर पढ़ो। संत दयाल जीव हितकारे भेद कहे अब निज कर भाई,
हैं वो इंसान को, दुनिया वालों को कौन सा वेद बताते हैं जो उन्होंने अनुभव किया। बाबा फकीर ने कोई किताबा तो नहीं दस्या पे उत्थे आ लिखे आ लिखे आ लिखिया, अपने जीवन का बचपन से लेकर छोटी उम्र से लेकर अपने जीवन का सारा हाल बता दिया। पढ़ो उनकी उनकी पुस्तकें पढ़ के देख लो और उनके वीडियो सुन के देख लो, आपकी आंखें खुल जाएंगी। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, अपना जीवन के बारे में कहा। छोटी सी एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ महाराज की बचपन की। उनका छोटा भाई था वजीर, वजीर चंद, इनका नाम था फकीर चंद। तो वो छोटा था, माँ ने रोटी बना बैठना तो कहना फकीर ऐ वजीरे ले जा खेल आ जरा मैं रोटी बना लवा। हुंदा ही है ना, असी भी अपने जीवन में देखो, असी नहीं अपनी छोटी भैन भरा चक्या चखते सी ना। तो महाराज कहते कि माँ ने मैनू उन्हें दे देना, मैं गोदी च पा के बाहर ले जाना। तो एक दिन माँ रोटी पकान लग गई तो मैं उन्होंने चक्या, मेरा किसी च पैर फसया तो वजीर थले तो मैं उपर। वह बहुत रोया, वह बहुत रोया। माँ ने सुन लिया फिर बहुत रोंदा है, आई पूछा की होया किदा नहीं गया, वह मेरे इधर थप्पड़ मार इधर थप्पड़ मार। वजीरे चक लिया तो मेरे लाल आके थप्पड़ मार, मैं कहता क्यों ये किया, यह क्यों किया, यह क्यों किया, ठीक है। तो महाराज जी कहते हैं माँ ने मेरे वजीर फिर फड़ा दिया, फड़ चके खिला। तो मैं वजीर चंदू लैके थोड़ा जा होर अगे जाके प्रार्थना की, सच्चे पातशाह ये दुनिया के रखण वाले वो कृपा कर, जा तो मैनू चक ला जा वजीरे चक ला, ये कारण मैनू मार पी है, मैनू ये कारण मार पी है। मैं कभी कोई गलत काम तो किया नहीं, पर मैनू ये कारण मार पी है। कहते वजीरा बीमार होया और मर गया, मेरी मेरी प्रार्थना सुन ले मेरी बात। ये छोटी सी बात मैंने आपको बताई है, बाकी तो मैंने उनके मुखार से सारी दुनिया देखी है, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ज्ञान की और अनुभव की। अनुभव बताता है क्या कि मेरे ख्याल ने ही मेरे बेटे को मेरे भाई को ले लिया। मेरी बात समझे। एक दूसरी और मिसाल बताई मेरे दादा ने, पहाड़ों में जब पंजाल क्या नाम है विगरीट के नाल ही मैं देखा वो पिंड, तो जब इतने आए भाई साहब परमजंग जी, मैं क्या परमजंग जी थोड़ा सा निशान दो, मैं उत्थे जाना तो मैं उत्थे दी फोटो खिंच के लियानी आ जिथे महाराज का जन्म होया। तो वह कहते महाराज जी उत्थे तो कुछ भी नहीं है, हूँ तो मकान मकून कुछ नहीं है, कुछ नहीं कुछ नहीं, असी तो ना असी उत्थे गए ना साढ़े पिता जी गए ना चाचा गया, कुछ भी नहीं। तो हजूर ने बताया कि जो मेरी पहली शादी हुई, अनुभव कि निजी अनुभव, पहली शादी हुई तो पालकी, हूँ तो कारा आ गई है ना बड़ी बड़ी लम्बिया, तो पालकी मिल जाते थे पहाड़ों में, ऊँचा नीचा है ना, तो चार आदमी पालकी में उठाते थे डोरी। कहते मैं बड़ा खुश होया, 13 साल का सी 13 साल का, तो मैंने पालकी बिठा लिया, सोहने कपड़े भी पाए, तो मैंने लै गए, ब्याह हो गया। तो मैं वापसी तो सोचा एक बार पालकी च होर बैठा तो बहुत चंगी गल है पालकी बहुत अच्छी सवारी है, इदा चकते ना इदा चलते, तो मैं सोचा भी पालकी तो यह तो एक बार होर कि ब्याह हो जाए तो बड़ी चंकी गल है। पहली पत्नी मर गई, दोबारा ब्याह होया। बात समझ गया मेरी, निज कर बात बता रहा हूँ, निज कर। तो निज क्या बात कहती है, स्वामी जी ने क्या देखा, या मैंने क्या देखा, या मेरे सतगुरु ने जो मुझे दिखाया वो मैंने क्या देखा, वो क्या है और वो कैसे मिलेगा। पढ़ो आगे। नहीं खाली के मखलू के न खिले कते तारे तार कारण काज न दिक्कते। वो कहते हैं कि वो मालिक जो है वहां कुछ भी नहीं है, ना खालक ना खिलकत ना खालक, ना आदमी है वहाँ, ना आदमी की जात है वहाँ, ना वहाँ कोई रूप है, ना वहाँ कोई रंग है, वहाँ कुछ भी नहीं। क्या है वहाँ, पढ़ो आगे। दृष्टा दृष्टि नहीं कुछ दर्शत बात लक्ष्य नहीं पद न पदार्थ। उसे कोई
कोई चीज देखने वाली भी नहीं है, कोई पद नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, कुछ न दृष्टि है, कुछ भी नहीं है। और आगे क्या है? जात सिखात नया बल आखिर गुप्त न पर घट बातिन जाहिर। ना कोई चीज उसे गुप्त है, ना कोई चीज नजर आती, ना कोई शुरू है तो ना अंत है, कोई पता नहीं लगता। आगे राम रहीम करीम न केसो कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं खासो। वहाँ कुछ भी नहीं, ना राम है ना रहीम है ना कृष्ण है ना कोई है, कुछ भी नहीं है वहाँ। और क्या है? स्मृति शास्त्र नहीं गीता भागवत कथा पुराण न कोई कथा नहीं होंगी, उत्थे कोई भागवत नहीं होंगी, उत्थे कोई कीर्तन नहीं होंगे, उत्थे कोई तालियां नहीं बजती, कुछ नहीं हुआ। और क्या है? सेवक सेव न दास न स्वामी नहीं सत नाम न नाम या नामी। उदा नाम की दसा जब उत्थे दिसदा कुछ नहीं, मैं की नाम दसा उदा, कोई नाम नहीं है, अनामी है वो, है अनामी है। आगे क्या है? नहीं था कोई चार लोक रचना नहीं होई। वहाँ चार लोक भी नहीं है। आगे हैरत हैरत पढ़ो। हैरत 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 होई हैरत रूप धराईत सोई। वो क्या है? हैरत है, हैरानी होंगी उन्होंने देख के, वो की है मैं दस नहीं सकता। मेरी बात समझ रहे हो? वो है लेकिन हैरत है, मैं नहीं दस सकता की है। हूँ सुन लो कर ध्यान न, सारी दुनिया पूजा करती फिर दी है, कोई कितने दौड़े है, कई कितने दौड़े है। स्वामी जी ने दसा दिता रूप ही कोई नहीं है, वो रंग ही कोई नहीं है, वो ना ही कोई नहीं है, उत्थे कोई ग्रंथ नहीं, उत्थे कोई गीता नहीं, उत्थे कोई भागवत नहीं, कुछ नहीं है। तो असी की करते दुनिया वाले, खुद सोच लो कि हम वहाँ जा सकते हैं? हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि हम तो बंधन में हैं, हम तो बंधन में फंसे हुए हैं, हम वहाँ कैसे जाएंगे? वहाँ ना हमें मंदिर पहुँचा। और फिर जो बंधे हुए हैं, फैसला है ये, उनको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। आएंगे आएंगे बार बार आएंगे, मूर्ति पूजा करने वाले भी, यात्राएं करने वाले भी, तप करने वाले भी, बाबा फकीर दे शरीर ना जुड़ने जुड़े हुए भी, मानवता मंदिर ना जुड़े हुए भी। अच्छा तो कहता मेरे बाबा फकीर ने, जे मेरे शरीर के जुड़े हुए हों वो जाही पैदा होंगे। ये कह इससे बड़े और क्या होती है? मेरी क्या बात कह रहा हूँ मैं? मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करो। कहाँ की, कहाँ किसकी पूजा, कौन सी पूजा तुम्हें वहां पहुंचाएगी? नहीं पहुंचाएगी। हम तो लड़ते हैं, देखो क्या हो रहा है मेरे इस देश में, उस देश में जहां ऐसे महापुरुष आए, उस देश में जहां श्री गुरु नानक देव जी आए और गुरु साहबान आए, महापुरुष आए, ऋषि आए, कबीर आए, स्वामी जी आए, स्वामी जी से लेकर राय सालग्राम साहब जी महाराज आए, दाता दयाल जी महाराज आए, सब ने यही कहा दुनिया वालों को कि तुम्हारा ऐसे बेड़ा पार नहीं होगा। ये कब मिलेगा? ये जिसका रूप कोई नहीं है, जिसका रंग कोई नहीं है, जिसका नाम कोई नहीं, वो कब मिलेगा? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। एक हमारा शरीर है, शर्मा जी कुछ कहने लगा, एक हमारा शरीर है, इसकी सीमा है, इसकी लिमिट है ना। एक संत ने कहा साढ़े तीन हाथ तेरी सीमा, तेरी सीमा क्या? साढ़े तीन हाथ, जो मेरा साढ़े तीन है ना, ये साढ़े तीन हाथ लाने में इन्ना ही उच्चा है ना, जिदा बंदा उन्ना उच्चा होगा वो बाँह भी उन्नी लंबी होगी। बात समझ गए? तो साढ़े तीन हाथ तो हमारी जगह है, इससे तो ज़्यादा हमारी है नहीं। एक आदमी संता ने कोल गया, कहना महाराज कृपा करो, जमीन बहुत थोड़ी है, जमीन मेरी बहुत थोड़ी, आगे बच्चे हैं उन्होंने डिवाइड हो जानी है। कहते एक कड़ी गल है, तू इतों देख, इतों दौड़ना शुरू कर, जिथे तक दौड़ के तू आ जाएगा ना, वो सारी जमीन तेरी, सारी जमीन तेरी। वो कह बाबा जी ने तो मौज लाती, हूँ तो मैं सारे
इलाके घूम लेना जीव दौड़िया होर ले लवा जीव दौड़िया दौड़ता जो वापस आया तो सह ही खत्म हो गए आके डिग पिया बस संतान को आके डिग गया तो सह बंद हो गया लै कहिंदे सॉरी दिया वो तेरी इन्नी जमीन थी कुछ तो दौड़ा गया शर्मा जी क्या कहा आ तेरी जमीन थी इन्नी तू इन्ना दौड़ा रहा कहदे वास्ते दौड़ा रहा वो पहले कह दिंदा कुछ ना कुछ पहले होर कुछ मांग बस समझ गए साडा ये हाल है हमारे शरीर की सीमा है और हमारे मन की भी सीमा मेरी गल नूं पकड़ते जाना सत्संग में आए हो कुछ कहना चाहता हूँ अनुभव की बात करना चाहता हूँ बाबे फकीर की बात करना चाहता हूँ जिन्होंने ये ज्ञान दिया जिन्होंने ये अनुभव दिया हमारे मन की भी सीमा है तो ये तुम्हारे मन में वो चीज़ कभी नहीं आएगी जो तुमने नहीं देखी कभी नहीं आएगी आएगी कभी नहीं आएगी ना जे मैं दिल्ली देखी नहीं तो मैं कहाँ कितना कहाँगा कि उत्थे आ स्टेशन नहीं आएगी ना तुम्हारे मन की सीमा सिर्फ वहाँ तक है जहाँ तक तुमने देखा जहाँ तक तुमने सुना जहाँ तक तुमने खा के देखा कि ये अमरूद है आजकल वो आया हुआ है तरबूज आया है ये तरबूज है लाल रंग का ये खरबूजा है पता देखते ही हुए ना तो सानू उहदा स्वाद का पता तदे लगा जदों असीं उहनूं खा लिया मन नूं पता लगा अरे मजे लगेगा तो हमारे मन की भी सीमा है। तीसरी बात हमारे अंदर क्या है हमारे अंदर आत्मा है प्रकाश आत्मा हमारा जीवन क्या है प्रकाश इसका तजुर्बा मैंने भी किया और जब भगत मुंशी राम जी महाराज के धर्म पत्नी ने चोला छोड़ा तो मैं उनको चंडीगढ़ मिलने गया मेरा उनसे बहुत प्यार था उनका मुझसे प्यार था हमारा बहुत प्यार था आपस में गुरु भाई थे ना यहाँ वो बहुत साल रहे तो मेरे साथ हर तरह की बात कर लेते थे वो तो मैं उनके पास गया तो बैठे हम मुझे कहते कमल जी आपको एक बात बताऊँ मैं क्या जी महाराज मैं इसीलिए तो आया हूँ कहते जब पत्नी शाम का वक्त था जब उसने शरीर छोड़ा तो उनके अंदर से प्रकाश निकला प्रकाश जैसे ज्योति होती है कहते ऐसे मैं देखता रहा और वो ऐसे देखते रहे बाहर एक तो ये बात मैंने उनके मुखाबिन से सुनी दूसरी मैंने क्या देखा मैंने खुद क्या देखा कि मैं क्या हूँ हू एम आई मैं अपने बिलासपुर में था बिलासपुर हिमाचल में है तो वहाँ सरकारी क्वार्टर तीन तीन चार चार कमरे तो मैं मेरी वाइफ मेरा छोटा बेटा जो वो उस वाले तीन या चार महीने का होगा वो दरम्यान में सोया है वाइफ इधर सोई है मैं इधर सोया हूँ कोई 12 के बाद का टाइम कोई घड़ी तो वहाँ थी नहीं मैं अपनी घड़ी टेबल पर रखी हुई थी रोशनी हुई अंदर कमरे में तो रोशनी हुई बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी तो मैं क्या देखता हूँ मैं उस रोशनी में अपने शरीर से कोई 3 फुट ऊंचा ऐसे 3 फुट ऊंचा हूँ मैं अपने शरीर को भी देख रहा हूँ अपनी पत्नी को भी देख रहा हूँ अपने बच्चे को भी देख रहा हूँ मैं शरीर नहीं शरीर के लागा हूँ अपनी बात बता रहा हूँ क्यों मैं कहा कि हम प्रकाश रूप है तो वो मैं देखा तो ये कोई समसेकंड समझ लो 3-4 सांस मैं दोबारा बॉडी में आ गया। अब मेरा तजुर्बा हुआ बाबे जी ने करवाया महाराज ने कि तू क्या है तू हुआ जू अब पता चला कि ना तो मैं शरीर हूँ ना मैं प्रकाश हूँ क्यों बात को पकड़ो क्योंकि प्रकाश को मैं देख रहा हूँ बात पकड़ा प्रकाश को मैं देख रहा था और मैं अपने शरीर को भी देख रहा था अपनी पत्नी को भी देख रहा था अपने बच्चे को भी देख रहा था मुझे क्या अनुभव हुआ आई एम नॉट द बॉडी मैं प्रकाश रूप हूँ और प्रकाश को देखने वाला हूँ मैं प्रकाश भी नहीं हूँ। शर्मा जी मैंने कुछ कहा मैं लाइट नहीं हूँ मैं जीव हूँ प्रकाश रूप में हूँ लेकिन उस जीव और वो जीव है वो प्रकाश से अलग है। दूसरी बात समझ गए अब तीसरी बात सुन लो
अब जो तीन चीजें तो हो गई, अब कहा संतों ने नाम रहे चौथे पद माही, ये ढूंढे त्रिलोक की माही। ये संतों की वाणी है। तो दुनिया समझती है कि पांच नाम मिल गए, जब एक नाम मिल गया अब तो हम पार हो गए, मर जाना मन सन गुरु ले जाऊंगा, कहाँ ले जाएगा गुरु, कहीं बाबा जी ने तो जहाँ तक कह दिया जेड़ा गुरु तुम लैन आएगा वो तू वो तो भूत बन गया, वह तो अपने कल्याण नहीं हुए, तुम्हारा कित्थे करूंगा। बात समझ गए। तो वो जो चौथी चीज है वो ना शरीर है, ना वो मन है, ना वो आत्मा है, वो तुम हो, वो तुम हो। जो तुम हो उसको संतों ने नाम दिया है सुरत का। सुरत क्या कहा? सुरत है वो। सुरत मीन चेतना। चेतना का मतलब कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होश। होश, होश में आदमी हो तो सब कुछ कर सकता है, बेहोश हो तो कुछ नहीं कर सकता ना। तो जो होश है, जो चेतना है, जो तुम्हारे अंदर ये तीनों चीज़ों की जो मालिक है वो है सुरत आपकी। उसका ना कोई रूप है, उसका ना कोई रंग है, उसका नाम कोई नाम है। जब तक तुम, क्या कहने लगा हूं, जब तक तुम शरीर मन और आत्मा से वहां नहीं पहुंचे तुम उसमें नहीं मिल सकते हो। और क्या कहूं, जब तक तुम भी वो नहीं हो जाते जो वो है, जिसका ना रूप है, ना रंग है, ना वहां कथा है, ना कोई भगवत है, ना कोई कीर्तन है, कुछ भी नहीं है। हैरत 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 होई, हैरत नाम धरातन सोई। वो जो तुम्हारे अंदर वो चीज है वो भी हैरत है, जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता। हजूर परम दयाल जी महाराज ने कहा कि जब मैं उसकी खोज करने लगा तो मुझे उसका अंत ही नहीं मिला। इसीलिए गुरु नानक साहब ने भी यही कहा, लख आकाश आकाश, लख पताला पताल, ओढ़ कोड़ कपाल थके वेद कहने के बाद, सहस अठारह कहन कते बा सूरक दात, लेखा होए तो लिखिए लेख होए बनास। उसका लेखा कौन लिख सकता है? फिर एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ। हुजूर ने फरमाया, मेरे दाता परम दयाल जी महाराज ने, कि जितनी जमीन है, अपने बारे में सोचना, जितनी जमीन है इससे तीन गुना ज्यादा पानी है, जितना पानी है उससे तीन गुना ज्यादा आग है, जितनी आग है उससे तीन गुना ज्यादा हवा है यहाँ इस ब्रह्मांड में। बात समझ गए? और जितनी हवा है उससे तीन गुना ज्यादा आकाश है। अब अंदाजा लगा लो, इसकी कोई पैमाइश कर सकता है? कोई वैज्ञानिक इसकी पैमाइश नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। बात समझ गए? अब इस ब्रह्मांड को, जितना ये ब्रह्मांड है जिसमें ये सारी चीजें हैं, इसका मैं पहले भी जिक्र किया, इसको कोई चलाने वाला है ना? कोई तो सस्ती है चलाने वाली, वो है। ऐसे ही इस हमारे शरीर में, इसमें भी मिट्टी है, इसमें भी धरती माता है, इसमें भी जल है, इसमें भी अग्नि है, इसमें भी पानी है, और इसमें भी आकाश है, पांचों इसमें भी है। तो जो बाहर के इस ब्रह्मांड को चलाने वाला है, कोई हस्ती है, ब्रह्मांड को चलाने वाली जो हस्ती है, उसी का एक रूप हमारे अंदर भी इस ब्रह्मांड को चलाने वाला है, और वो तुम हो, और वो चौथा पद है। क्या कहा मैंने? इसलिए अब मैं आपको स्वामी जी का एक शब्द सुना देता हूं, मन क्यों गुमान अब करना, निकाल मन रे क्यों गुमान अब करना। अब स्वामी जी कहते हैं, मैं लंबी चीज क्यों कहूं, थोड़े में खत्म कर देता हूं, कि जब ये सब कुछ हुआ है, तुम हो क्या, तुम्हें अगर ज्ञान हो गया कि मैं ये हूं, तो फिर मन दे विच कारे गुमान करना, मैं ये आ, मैं ओ आ, मेरे अन्ने बच्चे, मेरी बहुआ आया, मेरे बच्चे, वो तो कुदरत ने दिते हो, मेरी गल सुनो, तो वो तो मालिक ने दिते थानू,
और जो कुछ भी मिला तुम्हें सुख, जो भी मिला सुख मिला, तुम्हें इज्जत मिली, अच्छी नौकरी मिली, अच्छे लोगों से तुम्हारा मिलाप हुआ, तो मुझे किसकी कृपा है? उस पर तुम्हारी कृपा है तो उसकी तुम्हारे, तब तुम मानवता मंदिर में आए, नहीं तो तुम भी किसी किसी और जगह जाकर तालियां बजाते। बात सुन रहे हो मेरी? तो ये उसकी कृपा है। तो जब कृपा का पता लग गया तो फिर मान किस गल का करा? मन रे क्यों गुमान अब करना? तू कि गल का गुमान करना चाहता? तू उस मालिक का गुमान कर, वो तेरा मालिक है, ओदे कर। इस करके स्वामी जी ने एक वार्निंग की है, पढ़ो। मन रे क्यों गुमान अब करना? पता लग गया बंदिया ना मैं शरीर हाँ, ना मैं मन हाँ, ना मैं आत्मा है, मैं तो कुछ होर ही है। और होर की है वो मेरे मालिक ने दसा कि तू एक चेतन का बुलबुला है और कुछ भी नहीं है। और उसकी हस्ती से मैं बोल रहा हूँ, उसकी हस्ती से मेरा हाथ चल रहा है, उसकी हस्ती से मैं देख रहा हूँ, उस हस्ती से जो कुछ कर रहा हूँ कर रहा हूँ, बाकी कुछ भी नहीं है। बात समझ गए हो मेरी को? तो इसलिए फिर वो संत गुमान नहीं करता, वो ये नहीं कहता कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, उन्हें की करना, कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ करना तुम्हारे विश्वास ने करना, जो कुछ करना तुम्हारी श्रद्धा ने करना, जो कुछ करना तुम्हारे प्यार ने करना। हाँ संत शुभ भावना देते हैं, जाओ बच्चा तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर तुम्हारा विश्वास बैठ गया तो हो जाएगा, नहीं तो फिर मेरी तरह रहो, मांगो ही कुछ नहीं, गुरु से कुछ ना मांगो। मेरे तो एक कोई चीज़ लंबी जब मैं उन्होंने चरणों से गया, वो मैनू मंगने की लोड़ नहीं, बाबा जी मैं आ गया, बस मेरी जिंदगी को संभालो। ऐसा संभाला और जमीन, वो बच्चे ने गुड़ गाया ना एक, नहीं मैं नहीं मां मेरा सतगुरु उच्चा, मैंने तो चुप्पी पा ली, ऐदा चुप्पी पा ली। मेरी बात समझ गए? तुसी मंगदे ही मंगदे मर जाते हो, कादे वास्ते? मैंने कुछ नहीं मंगया, मैं बाबा फकीर ही मंग लिया, मैं कहा बाबा मैं तेरा तू मेरा, बस बात खत्म हो गई। मुझे नहीं पता मरने के बाद क्या होगा, मेरा क्या हाल होगा, मुझे नहीं पता, जो करेगा वो ही करेगा, मैनू की लोड़ पे चिंता करने दी। क्या कहा मैंने? जब वो मेरा ही है मैं उसका हूँ, क्या कहा मैंने? बात को पकड़ो, मैं क्या कह रहा हूँ, मत मांगो, मैंने नहीं मांगा, बिन मांगे सब कुछ देता है मेरे सतगुरु परम दयाल। मुंगन से तस्वीर अपने आप को भिखारी बना लेते हो, वो यही कहा करते थे, तुम भिखारी की कितनी इज्जत करते हो, कुछ भी नहीं। सतगुरु के दरबार में कमी वस्तु की ना, बंदा मौज ना पावे चूक चाकरी मां। वो कहिंदा बाबे नूं इन्ने पैसे दे दो तो आशीर्वाद मिल जाना, बाबे नूं कपड़े दे दो तो शायद आशीर्वाद मिल दो, ना वो आशीर्वाद नहीं है। बात समझ गए मेरी कि आप लोग क्या कहते? वो तो शहनशाह होता है सतगुरु, संत शहनशाह होता है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें खुश देखना चाहता है, बस इस चीज की जरूरत है, वो तुम्हें सुखी देखना चाहता है, इस चीज की जरूरत है, बाकी इसको क्या चाहिए? देने वाला बैठा वो दे रहा है, क्या कहा मैंने? एक दफा माई लोई ने कबीर साहब ने शिकायत की, कहती महाराज अज कपड़े तो बुने नहीं, तुसी बुन के बेचते सी ना कपड़ा, ओ देखो ओ आ रहे हैं तुहानू मिलने वाले, उन्होंने की खिलाऊंगी, मेरे तो घर ही कुछ नहीं। कबीर साहब कहते ओ बागवान ने उन्होंने सिर उत्ते देख की आ, उन्होंने सिर उत्ते देख की आ, देखा देखा है, कहती मैंने तो कुछ नहीं नज़र आता, तेन नहीं नज़र आता, पर मैनू नज़र आता कि अपना खाना खुद लैके आ रहे है। क्या कहा मैंने? बाबा जी कहते होंगे सी है ना मेरे को, बच्चा कौन किसे दे आवे जावे दाना पानी खिंच के ले आवे, ये देखो उन्हें की बात है, कौन ही जाना दाना पानी, हिसार वाले आए हैं, पता नहीं कब से कह रहे हैं, अभी डेट फिक्स कर दी मैं कि आऊँगा, क्योंकि अन्न जाना उत्थे मैं खिंच के ले जा रहे हैं, चल भाई उत्थे भी खाया दो रोटियाँ, ठीक है ना।
तो क्या कह रहे हैं, मना तू की गुमान करना, की मैं की बन के जाना, बताइए मैं की बन के जाना, कोई संत बन के जाना, मैं बापे की शिक्षा देन जाना, लैन नहीं कुछ भी जाना, ऐ दसना के हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, दुनिया में जीने का राज क्या है, ऐ इंसान तू अपने मन नु साफ कर ला, सारे च अपने आप को देखने की कोशिश कर, तेन कभी कोई तकलीफ होगी नहीं, बात समझ गए, कोई जहाँ नीच नहीं है, कोई जहाँ ऊंच नहीं है, कोई जहाँ धनी नहीं है, कोई धनी रातों रात गरीब हो गए और कई गरीब रातों रात अमीर हो गए, पता लगता कुछ, क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो, बहुत टाइम हो जाना, माने क्यों गुमाने अब करया, तन तो तेरा खाक मिलेगा, तन तो तेरा खाक मिलेगा, चौरासी जा पड़ेगा, मन रे क्यों गुमाने अब मन के, अब मन के पीछे लगकर स्वामी जी कहते हैं तू को बड़ा घुमान करदा कि मेरा ऐ भी है, मैं मंदिर जाना, मैं मत्था टेकदा, मैं मूर्ति भी नजर आती है, मैं जे भी मेरी बात, वो कहते कहदा घुमान करदा तू, जे मरन लगेगा मन नाल रह गया, मन मरन लगेगा मन नाल रह गया, तो तू उत्थे ही जाना जिथे मन तुहाडा जाऊंगा, मेरी बात समझ गए, अंत मता सो गता, जो अंत समय तुम्हारे अंदर फिल्म चलेगी वो तुम वहाँ ले जाएगी, तो कबीर वो कहते स्वामी जी महाराज तेरा शरीर तो खाक से मिल जाना, तो मन तेरा जिंदा रह जाना, मन कितने कितने लगा आ, मन थोड़ा कितने अटैचमेंट से बैठा, धन च कोई डुबिया पाया, कोई प्रॉपर्टी डुबिया पाया, कोई अपनी पदवी से डुबिया पाया, कोई मंत्री बनया फिरदा, कोई संतरी बनया फिरदा, ये तो नहीं ना जाने, ये तो दोबारा जन्म लेना पैना, आना पैना, इसलिए कहते 84 में आ जाओगे वापस, इसलिए गुमान मत करके मेरा ए है, ए है, ए है, आगे दीन गरीबी कितने धरना, दीन गरीबी कितने धरना, काम क्रोध से बचना, बहुत ऊंची बात कह रही है, दीन गरीबी, दीन दीन कौन होता है या गरीब कौन होता है, असल में वो नहीं है जिसके पास खाने को नहीं है ना, संत मत में दीन और गरीब वो है जिसके पास सब कुछ है, सब कुछ है लेकिन मैं उसको अपना नहीं समझता, कि ये जो कुछ है मेरे मालिक का है, मेरी बात समझे, ये मेरा नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा दिता है मैनू, मैं सुख दिता है तेने, ये सारा कुछ तूने दिता मैनू, मेरा कुछ है नहीं, जब ये बात आ जाएगी तब तुम दीन हो, तब तुम गरीब हो, वो गरीब नहीं जो रोटी के लिए तरसता है, वो तो उसका तो कर्म है, लेकिन जो ये दीन बनता है वो ये है, और जब दीन बन गया तो फिर ना काम रहता है ना क्रोध रहता है, मेरी बात समझ गए, इनका समझ इसके साथ है कि तुम जुट गए किसी चीज से तुम्हें क्रोध आएगा, मेरी चीज़ को किसी खराब किया, मेरी जमीन रख ली, मेरा ये कर, मैं नहीं जान दूंगा, मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, जानते ना लोग, वो गुमान है, इसलिए कहते दीन गरीबी रखो और फिर काम क्रोध तो बच जाओगे, आगे प्रीत प्रतीत गुरु की करना, प्रीत प्रतीत गुरु की करना, नाम रसायन घट नहीं करना, मन रे क्यों गुमाने, क्या करना रहना? क्या करना, श्रद्धा और विश्वास गुरु पर रखना, एक बात, फिर नाम रसायन घट में नाम का सिमरन करना, घट में अंदर उस मालिक का कोई नाम रख लो, ओदा सिमरन करो, ओदा ध्यान करो, और ओदे गल ते विश्वास रखो, और ओदे प्रति श्रद्धा रखो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, आगे मन मलिन के कहे न चलना, मन मलिन के कहे न चलना, गुरु का वचन ही है
मलीन है, गंदा है। और फिर क्या करना है इससे बचने के लिए? गुरु के वचन को मन में रखना। मन की गल एक पास गुरु अंदर लिया, गुरु जी ने ये कहा, गुरु जी ने ये कहा, गुरु जी ने ये कहा, मन अंदर आ गया ना विचार, सिमरन करो, जो सुनते हो उसका गुणन करो कि क्या सुना, बार बार गुणन करो क्या सुना, मंदिर गए थे सत्संग में बैठे थे क्या बात अच्छी लगी, उसका विचार करो विचार करो विचार करो, और ये अंदर फिल्म बन जाएगी। उसका मतलब है तुमने नाम की रसायन को पकड़ लिया। नाम क्या है? सत्संग। यही तो मेरे दाता ने कहा कि मैं नाम नहीं देता, सत्संग ही मेरा नाम दान है। तो सत्संग में कोई बात आपको लग गई, तुम्हारे दिल को लग गई, पकड़ लो उसको कि किसी की बुराई नहीं करना, ले बात बन गई। किसी की निंदा नहीं करना, बात बन गई। किसी को बुरा नहीं देखना, बात बन गई। कभी किसी की निंदा चुगली नहीं करनी, ना सुननी ना करनी, लो जीवन बदल गया। ये हुआ ना नाम रसायन। और क्या नाम का कोई दवाई है घुट के पा लेनी? क्या कहा मैंने, जब गुरुदेव प्यार धो के पी ले तब तुम पार हो जाओगे? नहीं होना। उनकी वचन को पकड़ो, दर्शन करे, वचन पुनि सुने, सुन सुन कर नित मन में गुने, कुन कुन कड ले तिस सार, कड सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग भव भय सब गहे गुवाई। जब तुम गुरु की गल लैके अंदर पी लिया, रख लिया, तो थोड़ी फिर गलत डर रहे, फिर कमान किस बात का? मैं एक चेतन का बुलबुला हूँ, उसकी मौज से आया हूँ और उसकी मौज मुझे ले जाएगी। उसकी मौज काम करवा रही है, मैं नहीं कर रहा। क्या कहा शर्मा जी, मैंने आपको ड्यूटी दी है, वो उसने दी है, ना मैंने दी ना आपने ली, दी ना डंडे मार के करवाना काम जरा करवाना। मैं भी दौड़ा आता हूँ, डंडे भगते हैं, चल चल तो चल चल के बैठ बच्चे ना, ये दूर दूर से आए हैं। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। तुम मानो मत इसका कहना, मन का कहना नहीं मानना, इसको पकड़ो। तुम देखो तुम कौन हो, ओ मेरे दाता ने तो मेरा कल्याण ही कर दिता जब मुझे ये कहा कि बच्चा तूने कोई किताब नहीं पढ़नी, मन की किताब पढ़नी। मेरा तो काम ही खत्म करता, मन की किताब पढ़ी, वो मन ही खत्म हो गया, किताब ही खत्म हो गई। जदों शुरू होंगी है मेरे दाता आ जाते, उनके ख्याल आ जाते हैं, उनके विचार आ जाते हैं, उनकी बाणी सामने आ जाती, तो मन च की रहा, मन च उन्होंने बाणी आ गई, तो वही मैं पढ़नी, फिर बाकी की पढ़ना। अपने आप को तो देख लिया कि क्या हूँ मैं इसके बारे में कह चुका हूँ पहले आप लोगों को। आगे पढ़ो। तुम मानो मत इसका कहना, इसके संग जगत बीच गिरना, इसके संग चलोगे तो दुनिया में गिरोगे। आगे। इस मूर्ख को समझ पकड़ना, इस मूर्ख को समझ पकड़ना, गुरु के चरण कभी न बिसरना है। इस मूर्ख को समझो, इसको पकड़ के रखो, और गुरु के वचन को कभी मत भूलो। बस बात खत्म कर दी स्वामी जी महाराज ने, वचन ही सब कुछ है, वाणी गुरु, गुरु है वाणी, बिच वाणी अमृत सारे। तुम तो पकड़ के बैठ जाते हो, गुरु दी लत्ता ही फाड़ लेंगे, लत्ता दब नहीं है तो गुरु कुछ दे देगा? नहीं, लत्ता जी कुछ नहीं रखे है। हाँ, थोड़ा प्यार है, मैं उसकी कदर करता हूँ, बड़ी बात समझ गए। लेकिन ये चाहो कि मेरी लत्ता दब के तुम पार हो जाओगे? नहीं, मेरी बात पर चलने पर पार हो गए, वैसे नहीं हो गए। आगे। गुरु का रूप नयन में धरना, गुरु का रूप नयन में धरना, सुरत साथ से नभ पर चढ़ना। गुरु के रूप का ध्यान करना है और सुरत को देखना कि सुरत क्या है। आप लोग ऊपर गगन पर तो जा नहीं सकते, मैं जानता हूँ, गगन पर तो बहुत तलवार की धार है, तलवार की धार पर चलना पड़ेगा, शरीर को छोड़ना पड़ेगा, मन को छोड़ना पड़ेगा, आत्मा से भी आगे जाना पड़ेगा, अपने आप को जीते जी ही मरना पड़ेगा, जीते जी मरना पड़ेगा, तब जाकर कहीं यहाँ से उठ कर तुम ऊपर जा सकोगे, अदरवाइज नहीं। अगर तुम बैठ के कुछ मांग लूँ,
जा मैं समाधि में जय जाऊं जय जाऊं जय नहीं नहीं, उसकी कृपा से समाधि लगती है, उसकी कृपा से सब कुछ होता है। ये मेरा तजुर्बा है। जब मैंने चाहा कि आज मैं ये करूंगा, फिर ले कर ला तू लाला डोरते खतन के नकल आंदा, जब वहां फाड़ ली तो कम पड़ गया। मेरी बात समझे, आगे चलो। राधा स्वामी नाम सुमेरा, राधा स्वामी नाम सुमेरा, जो आके चित में धरना, चुन रे क्यों गुमाने अब करना। आखिरी का बात कर देता हूँ, स्वामी जी महाराज ने खुद कहा है, राधा स्वामी गाय कर जन्म सफल कर ले, यही नाम निज नाम है चित अपने धर ले। तुम्हारा असली नाम क्या है? राधा स्वामी। तुम्हारी असली क्या है? राधा। तुम कौन हो? राधा। स्वामी कौन है? शब्द। वो तुम्हारे अंदर है, इसलिए उन्होंने कहा राधा स्वामी गाय कर जन्म सफल कर ले, यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले। तेरा नाम ये है, बाकी जब बॉडी का नाम रखे ये तो जब मर जाना खत्म, कौन मर गया वो मर गया, चल वो नाम खत्म हो गया, वो हो जाएगा ना खत्म। बात कोई नाम नहीं लेता ना, मर गए श्री श्री नाम से खत्म हो गया। उस तो बात क्या है फिर? अब कहते हैं राधा स्वामी गाय कर जन्म सफल कर ले, यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले। राधा स्वामी नाम जो गाए सो ही तरे, वही तरेगा। फिर कैसे? कल क्लेश सब नाश, सुख पावे और दुख हरे। उन सुख भी मिलूगा, उसका दुख भी दूर हो जाऊगा। इसलिए स्वामी जी ने कहा कि राधा स्वामी का जब सिमरन किया करो। कोई नहीं पांच नाम नहीं कहा, कोई राम राम नहीं कहा कुछ, क्योंकि वो तो अलग है, राम तो अलग है और बाकी सब कुछ अलग है। राधा स्वामी तुम्हारे अंदर है, उन्हें पकड़ो, ठीक है। तो बहुत कुछ आज मैंने आपको कह दिया, मेरी शुभकामना, आप लोग सुखी रहो। और आशा करता हूँ कि जो कुछ मेरे से कहा गया, हो सकता है कोई शब्द ऐसे निकले हो मेरे मुंह से जो मैं ना चाहता हूँ फिर भी निकल गए और वो आपको बुरे लगे हों, उसके लिए तो मैं माफ़ी मांगूंगा। समझ गया ना मेरी बात? पर मेरी नीयत साफ है, मैं चाहता हूँ तुम सुखी रहो, तुम्हें शारीरिक सुख मिले, तुम्हें मानसिक शांति मिले, तुम्हें आत्मिक ज्ञान मिले और तुम्हें आखिर में मालिक का घर मिल जाए। इससे परे और मेरे पास क्या है? सबको बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।